नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मेरे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देखेंगे कि इम्प्लॉइज़ जो गवर्नमेंट इम्प्लॉइज़ जैसे तुरंत ही मान लो हाल ही में पोस्टिंग होती है तो अपने लिए एक RGBNID क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें एम्प्लॉइज़ का अपना रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें 4 डिजिट जो होते हैं वो अल्फाबेटिकल होते हैं और 12 डिजिट बाकी के होते हैं वो न्यूमेरिकल्स। ये मिलाकर अपना RGBN यानी कि जिसे अपना ज़िला है मान लो ज़िले से रिलेटेड है तो उसमें सबसे आगे जैसे पोस्टिंग वर्ष लिखा होता है और उसके बाद में अपने 03 होता है ज़िले का कोड होता है जो भी ज़िला हो, उसके बाद में अपना जो 5 डिजिट 6 डिजिट जो भी बचते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो ये कुल मिलाकर RGBNID में अपना रजिस्ट्रेशन SIPA पोर्टल पर होता है। तो उसके लिए अपन को जो ID क्रिएट करनी पड़ती है वो किस तरीके से अपन कर सकते हैं तो मेरे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देखेंगे। इसमें आप रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत इस तरीके से RGBNID एम्प्लॉय डिटेल यानी कि यहाँ पर अपना नाम होता है और एम्प्लॉय ID जो बन के आती है अपनी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की RGBNID जो लिखी जाती है और यहाँ पर टाइटल मिस्टर जो भी है मिस्टर मिसेज एम्प्लॉयज़ नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ होती है और इसके अंतर्गत अपन को कुछ चेंजिंग्स करना होता है तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ था कि इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूर DDO टू गेट द इन्फॉर्मेशन करेक्ट एंड कम्प्लीट। तो मतलब अगर इसमें अपन को कोई मिस्टेक मिलती है तो अपन को अपने DDO के पास जाकर इसको कम्प्लीट करवाना पड़ता है। कम्प्लीट करवाने के बाद में जो डिस्क्लेमर होता है वो इन विच 24 ओवर में अपने सामने वापस पोर्टल पर दर्शा दिया जाता है। तो आइए अपन देखते हैं कि इसको किस तरीके से अपन जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से RGBNID अपनी रिक्वेस्ट इसमें डालने के बाद में पहले ये 72 घंटों में क्रिएट होकर आती थी लेकिन अब ये 72 घंटों में न होकर तुरंत ही जैसे ही आपकी अप्रूवल रिक्वेस्ट करेंगे तुरंत ही आपको अप्रूव करके आपकी RGBNID आपको जनरेट हो जाएगी। तो SIPA पोर्टल पर देखते हैं कि किस तरीके से इसको अपन जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन RGBNID को जनरेट करने के लिए एम्प्लॉइज़ में जाएंगे तो अपने SIPA पोर्टल पर एम्प्लॉइज़ में जाने के बाद में यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्पष्ट लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन और रिपोर्ट। यानी कि ट्रांजेक्शन वो होता है जिसमें अपन को सारी चीज़ मेंटेन अपन को करनी होती है, यानी कि ट्रांजेक्शन में जाने के बाद में अपनी बैंक डिटेल, एम्प्लॉइज़, फैमिली डिटेल, पूल एम्प्लॉई और ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर अपनी डिटेल फिलअप करनी होती है इसमें, जिसे यहाँ पर अपना नाम और बेसिक डिटेल जो अपनी एम्प्लॉइज़ नेम डेट ऑफ बर्थ फादर या हस्बैंड नेम मैरिट स्टेटस यानी कि अपन शादीशुदा हैं या नहीं, डेट ऑफ मैरिज कौन सी तारीख को शादी हुई और पैन नंबर जेंडर मेल फीमेल जो भी है, एम्प्लॉइज टाइप यानी कि कैश और पे मैनेजर इसमें 2 तरह के होते हैं, कैश यानी कि जो ऑफलाइन में जिनकी सैलरी बनती है वो कैश और पे मैनेजर जैसे कि अभी सेकंड ग्रेड में भर्ती हुई सेकंड ग्रेड में नहीं RGBNID बनानी है, फर्स्ट ग्रेड में सीधी भर्ती हुई है IRPSC से आए हैं तो ये पे मैनेजर पर इसको सेलेक्ट करेंगे अपन। उसके बाद में अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर जन्म स्थान डाल देंगे और आधार नंबर, आधार नंबर अभी ये कॉन्टैक्ट कर। इसके बाद में अपन सीधा यहाँ पर आएंगे परमानेंट एड्रेस पर, अपना जो भी एड्रेस है जैसे अपना विलेज और तहसील ब्लॉक वगैरह जो भी करस्पोंडेंस ये सेम एड्रेस होगा इसका, और स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपन जो भी अपना स्टेट है, और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करते ही अपना डिस्ट्रिक्ट तहसील पिन कोड नंबर मोबाइल नंबर अपना और यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डालने के बाद में अपन सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में अपन यहाँ पर सर्च में जाएंगे एम्प्लॉई सर्च में जहाँ पर अपन को अपनी RGBNID तो अभी क्रिएट होकर आई नहीं अपना लेकिन अपना नाम यहाँ पर अपन जो भी अपना नाम है वह डालकर भी सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉई ID
अगर अपने पास में बनी हुई है तो वो भी डालकर सर्च कर सकते हैं, या अपने फादर नेम या हस्बैंड नाम जो भी डाला है वो यहाँ पर डालने के बाद में सर्च बटन पर अपन क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर डेट प्लस उस आईडी की अप्रूवल यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर क्रिएट ऑन कौन सी तारीख को आईडी क्रिएट की और यहाँ पर उसकी अप्रूवल स्टेटस में आपको बताई जा रही है, यानी कि अपनी आरजेबिन आईडी जो है वो अप्रूव्ड होकर बनकर तैयार होकर आ चुकी है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, ये एम्प्लॉयज नेम है और उस डेट ऑफ बर्थ जो अपन ने डाली थी, फादर नेम, और यहाँ पर क्रिएट ऑन कौन सी तारीख को अपन ने क्रिएट की और उसका स्टेटस है, यहाँ पर अपनी अप्रूवल यानी कि सैंक्शन अपनी आईडी हो चुकी है, अपनी आईडी बनकर तैयार हो गई है। अब अपन को इसमें वापस अपन इसको खोलेंगे अपन। अब वापस यहाँ पर अपन एम्प्लॉयज़ में ट्रांजैक्शन में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाने के बाद में अपनी जो डिटेल है, जैसे एम्प्लॉयज़ में जाने के बाद में अपन यहाँ पर क्रिएट कॉन्टैक्ट डिटेल तो अपनी होगी, अपनी आरजेबिन आईडी भी बनकर तैयार होकर आ गई है। उसके बाद में अपन आगे अपन इसमें सर्विस डिटेल, अपनी सर्विस डिटेल में अभी तो अपनी जिस दिन पोस्टिंग हुई है वही मांगेगा इसमें। उसके बाद में स्कीम डिटेल और फैमिली डिटेल अपन भरकर फाइनल सबमिशन यहाँ पर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये सबमिट जो लिखा हुआ है यहाँ पर फाइनल है, उसमें सर्विस डिटेल में अपन देखेंगे कि अपनी SIA पेमेंट यानी कि अपनी SIA पेमेंट जो भी जिला है जैसे वो अपन यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल देंगे, जो भी जिला है, डिपार्टमेंट अपना यहाँ पर डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई है तो अपन जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट से हैं तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, या जो भी है अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर DTO का नाम जो अपन ने पहले से जिस DTO के अंतर्गत अपन ने रिक्वेस्ट रजिस्टर की है वो रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन अपना यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो कर देगा। ऑफिस नेम अपना यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एम्प्लॉयज स्टेटस यानी कि एम्प्लॉयज स्टेटस क्या है, परमानेंट है, कैटेगरी उसकी जो भी है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो स्टेट सर्विस है या सबॉर्डिनेट सर्विस है सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में, तो जो भी है अपन यहाँ पर सेलेक्ट उसका कर लेंगे। और डेजिग्नेशन यहाँ पर जो भी लेक्चरर है या थर्ड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है जो भी अपन इनमें सबमिट कर देंगे। और यहाँ पर अपना बजट हेड उसको शो कर देंगे अपन। बजट हेड डालने के बाद में डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डेट है अपनी वो यहाँ पर लिखेंगे, जॉइनिंग डेट इन प्रेजेंट ऑफिस जिस दिन उन्होंने जॉइनिंग की है, और यहाँ पर अपनी पे स्केल जैसे 9300 से 34800 है या 52200 से सॉरी 5200 से 20200 5200 से 20200 मीन्स, और ग्रेड पे यहाँ पर GP जो भी है जैसे स्टार्टिंग में लगता है 3600 भी हो सकती है 4200 भी हो सकती है, यहाँ पर पे स्केल शो करते ही ऑटोमेटिकली ये शो GP कर देगा। यहाँ पर ये आ गई 3200 3600 4200 4800 जो भी अपना ग्रेड पे है GP वो यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बेसिक पे अपन डालकर फिर सबमिट आगे कर देंगे। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आता है स्कीम डिटेल, यानी कि स्कीम यानी कि GPF अकाउंट नंबर तो अपना है नहीं, SIF नंबर भी नहीं आया, ये यहाँ पर अपन शो नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डिक्लेरेशन भी अभी नहीं डाल सकते अपन क्योंकि अपनी पॉलिसी बनकर नहीं आई है। तो यहाँ पर GPF की लोकेशन अपन बता सकते हैं कि अपन कौन से ज़िले से हैं, वो ज़िला सेलेक्ट कर सकते हैं। SIF की लोकेशन भी यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि कौन से ज़िले से हैं अपन, और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आपका होता है नॉमिनी डिटेल का, आप नॉमिनी यहाँ पर भरने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मित्रों तुरंत ही हाल ही में जनरेट अपन कर सकते हैं, ये इतना फास्ट सर्विस है। पहले अपन को इसमें समय लगता था लेकिन अब अपन बहुत जल्दी ही इसको आसानी से इसको जनरेट कर सकते हैं। देखा दोस्तों आपने, जैसे ही अपन अप्रूवल एक्सेप्ट होने के बाद में तुरंत ही किस तरीके से आईडी जनरेट होने के बाद अपन आसानी से इसको भर सकते हैं और 24 ओवर में ये RJBN आईडी अपनी
पोर्टल पर जनरेट होकर अपने सामने आ जाती है। तो मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले मित्रों। ओके, थैंक्स।